जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ा है, आज हम इनके बीच में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं वो पढ़ेंगे। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले, समझने से पहले, अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जो पिछला लेक्चर है उसको एक बार कुछ मिनट लगाकर देख लेंगे तो आपको ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। समझना जरूरी है, रटना नहीं, क्योंकि अगर आप समझ के करेंगे तो ना केवल इन सवालों के जवाब दे पाएंगे बल्कि इनसे मिलते जुलते, इनसे रिलेटेड कई सारे सवालों के जवाब आपको समझ में आ जाएंगे और आप दे पाएंगे। तो आप एक बार वो पुराने लेक्चर्स प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझ लीजिए। अब हम अंतर पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रो मतलब बिफोर, पहले, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले वाले सेल्स हैं, तो ये बहुत पुराने सेल्स हैं, ये हैं प्रिमिटिव हैं बहुत ज्यादा। जब ये प्रिमिटिव हो गए, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने, तो ये क्या हो गए, मॉडर्न। यूकैरियोटिक सेल जो है वो मॉडर्न है। अब ये प्रिमिटिव हो गए तो ये सेल क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और ये होते हैं उनसे थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं। अब ये प्रिमिटिव हैं, स्मॉल हैं, और ये सिंपल हैं बहुत ज्यादा। जो पुराने सेल्स हैं बहुत सिंपल हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं। ये सेल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल है मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं है, सिंपल सेल्स हैं, सिर्फ एक घेरा सा है, सेल वॉल है, और उसके अंदर आपका अपना साइटोप्लाज्म है, उसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, और इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज जैसे कि गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे। तो इसमें हम बताएंगे अपना कि नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ऑर्गेनली मतलब स्मॉल ऑर्गन्स जो इस सेल के अंदर होते हैं, जो उसके फंक्शन को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इसमें होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल्जी बॉडी, आपका न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया और ये वैक्यूल, लाइसोसोम, एटसेट्रा, ये जो चीजें हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, ये अपना नहीं होती हैं प्रोकैरियोटिक, इसमें नहीं होती हैं, इसमें होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। तो अब इसमें नो न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। कॉम्प्लेक्स सेल है ये, सिंपल सेल है, कोई न्यूक्लियस नहीं। तो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए और क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इसमें नहीं है तो डीएनए कहां होगा, डीएनए होगा स्कैटर्ड, मतलब एक ऐसे ही पड़ा रहता है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है। इसमें क्या रहता है, डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में रहता है, इन न्यूक्लियस, डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब जब न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए साइटोप्लाज्म में पड़ा है, मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म में डीएनए पड़ा है, उस इलाकों को न्यूक्लियोइड बोलते हैं जहां पर साइटोप्लाज्म पड़ा होता है, न्यूक्लियोइड। मैंने ये भी बताया था न्यूक्लियोइड, जिस शब्द के आगे ऑइड लग जाएगा मतलब वो उसके जैसा, न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस की तरह, लाइक न्यूक्लियस बट नॉट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, इसमें न्यूक्लियोइड नहीं होता है। अब ये सिंपल सेल है, डीएनए नहीं होता, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होती, छोटे सेल्स होते हैं, तो ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल के होते हैं, और ये होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ज्यादातर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, बहुत सारे पुराने बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होते हैं, या आपका बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूनिसेलुलर सिंपल सेल्स, और इसमें हो जाएंगे ये आपके एनिमल्स हो गए,
प्लांट्स हो गए, और बहुत सारे जो आपके आसपास एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स जीव दिखते हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। केवल कुछ को छोड़ के जो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया सॉरी बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं। जो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक, इस पे जो डीएनए होता है, जो मैंने बताया डीएनए कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड पड़ा हुआ होता है जो डीएनए, वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक ही स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड डीएनए, तो एक स्ट्रैंड पे ये अपना क्रोमोजोम होता है। और जैसा कि हमने पढ़ा है ह्यूमन बॉडी में इंसानी शरीर में 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, मतलब एक इस पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है उस पे दूसरा होता है। जब इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है मतलब क्रोमोजोम का पेयर नहीं है, मतलब क्रोमोजोम हमेशा सिंगल है। जैसे देखिए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ये रेड डीएनए के ऊपर क्रोमोजोम से, तो इस पे एक ही क्रोमोजोम होगा क्योंकि इसका दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का नहीं है। जैसे देखिए डीएनए आप ऐसे से बाद में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो यहां पर जो क्रोमोजोम है उसका पेयर यहां पर है, तो हमेशा एक से ज्यादा क्रोमोजोम होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक ही स्ट्रैंड डीएनए का है, तो उस पर एक ही क्रोमोजोम होगा। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक जो प्रिमिटिव पुराने टाइप के सेल हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, तो सिंगल क्रोमोजोम होता है इसमें, सिंगल क्रोमोजोम। और इसमें जो डीएनए होता है उसमें होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं एक से ज्यादा है, मोर देन वन क्रोमोसोम, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखें जो सेल डिवीजन होता है, एक से सेल डिवाइड होके दो बनते हैं, तो ये नॉर्मली जो सेल डिवीजन है वो बाइनरी फिशन से होता है। बाइनरी फिजन मतलब एक सेल होगा, सेल बाद में कुछ इस टाइप से होगा, फिर ऐसे करके दो हिस्सों में टूट जाएगा। बाइनरी मतलब दो, बाइनरी मतलब दो, फिजन मतलब एक से दो होना, मतलब टुकड़े होना, तो बाइनरी मतलब दो टुकड़ों में पड़ जाता है। एक सेल है यहां से ऐसे बना, ऐसे से टूट के ऐसे दो बन गए, ये हो गया बाइनरी फिजन। सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरीके से ये एक से दो सेल बनते हैं। अब ये सिंपल सेल है इसलिए इसमें ऐसे करके सेल टूटता है और दो बन जाते हैं, बाइनरी फिशन। अब जो कॉम्प्लेक्स सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या होता है माइटोसिस और मियोसिस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है इसमें, माइटोसिस हो गया मियोसिस हो गया, इन तरीकों से सेल डिवीजन होती है, जिनको आगे के लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बाइनरी फिशन को भी और माइटोसिस मियोसिस को भी समझेंगे। अब माइटोसिस मियोसिस में गैमीट्स बनते हैं, जब इसमें माइटोसिस मियोसिस होती ही नहीं तो गैमीट नहीं बनेंगे, नो गैमीट फॉर्मेशन, और इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगी। अब एक और चीज देखें कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है प्रोक्रियोटिक का, बहुत ही सिंपल होता है, इनके सपोर्ट के लिए कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट नहीं होता है, है ना, नो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, मैंने आपको बताया था अपने पुराने लेक्चर्स में, और इसमें प्रेजेंट होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो सेल के स्ट्रक्चर को, उसके शेप को मेंटेन रखने के काम आते हैं। प्रोकैरियोटिक पुराने सेलों में नहीं होते हैं, नए सेल्स जो मॉडर्न सेल्स हैं उसमें ये होते हैं। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो सेल डिवीजन होता है बाइनरी फिशन में, सॉरी अपना ये माइटोसिस मियोसिस में, जो सेल अपना क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं इसमें स्पिंडल्स बनते हैं, जो क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, और वो स्पिंडल, अभी इसमें क्रोमोसोम डिवाइड ही नहीं हो रहा तो इसमें बाइनरी फ्यूजन हो रहा, तो स्पिंडल फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। स्पिंडल फॉर्मेशन जो करते हैं, है ना, जो स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं उसको अपना एक, जस्ट मैं आपको समझाता हूं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था इसमें बाइनरी फ्यूजन हुआ, एक सेल हुआ, बीच में से गैप बना ऐसे, और ये टूट के दो सेल्स बन गए, इसमें कोई स्पिंडल्स नहीं बनते हैं, इसमें क्या होते हैं स्पिंडल्स आपके बनते हैं, तो इसमें बोलेंगे नो स्पिंडल फॉर्मेशन, और ये स्पिंडल फॉर्मेशन होती है यूकैरियोटिक में। तो ये अंतर आप याद रखें, समझ लें, और आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएगा, और साथ ही बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जवाब भी आप दे पाएंगे। आने वाले लेक्चर में हम एनिमल सेल प्लांट सेल पढ़ेंगे और इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे जो बहुत बार एग्जाम से पूछा जाते हैं, और छोटी छोटी इनके बीच में जो बातें हैं वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आते हैं, बहुत ही
आपको सिंपल होता है, लेकिन अगर ना समझें तो उसको बहुत आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखते रहें, अच्छा लगा तो लाइक करें। कोई और वीडियो आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सभी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको सभी टॉपिक बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।